नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। संवाददाता गोविंद मंडल, मोटू ते मोड़ पर मनोज साना की दुकान खाली करने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा दबाव डाला। खबर है मलकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक मोटू ते मोड़ के मौजूद मनोज साना की दुकान का। इस जगह से मोटू थाना तहसील मुंगी पॉइंट छत्तीसगढ़ सिलेरू ब्रिज चितूर एवं MV 79 कालीमेला मलकानगिरी की तरफ रास्ता जाता है। पिछले शुक्रवार 9 सितंबर की रात तकरीबन 7:30 बजे मनोज साना उनकी पत्नी दुकान पर बैठकर दुकानदारी कर रहे थे, तब मोटू से 15-20 व्यक्ति आकर मनोज की दुकान पर हंगामा किया। मनोज और उसकी पत्नी के साथ बहस की दुकान खाली करने के लिए, साथ में तुरंत दुकान खाली कर दूसरी जगह जाने के लिए उन पर दबाव बनाया। जब मनोज की पत्नी ने विरोध किया तो उन लोगों ने अभद्र भाषा में गाली गलौज करने के साथ पेट्रोल डालकर आग लगा देने की धमकी दी। इस सिलसिले में मनोज का लड़का आकाश मोटू IIC से शिकायत करने के लिए गए थे, लेकिन IIC उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं दिया। तो 12 सितंबर को कलेक्टर सर को लिखित शिकायत की एवं SP सर को रात 7:45 पर लिखित शिकायत की। तुरंत SP सर ने IIC मोटू से FIR दर्ज कर जांच करने को कहा है। जो लोग आए थे उनका कहना है ये जगह पंचायत की है, खाली कर दो, लेकिन मनोज की पत्नी ने कहा ये जगह हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है, इसलिए वे आकर कहेंगे तो ही हम खाली करेंगे, अन्यथा खाली नहीं करेंगे। इस प्रकार काफी देर तक बहसबाजी के बाद मनोज का सामान उन लोगों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। दुकान तोड़ने की कोशिश की, आसपास के दोनों तरफ की दुकानों का सामान बाहर निकालकर फेंक दिया, इसलिए मनोज के परिवार की तरफ से उचित न्याय की मांग को लेकर मलकानगिरी प्रशासन के अधिकारियों के पास गए। अब देखने को बाकी है कब मनोज के परिवार को उचित न्याय मिल पाता है। कल FIR नंबर 99/2022 दर्ज किया गया और 7 धाराएं 9 आरोपियों के खिलाफ लगी हैं, लेकिन नाम दर्ज आरोपियों को आज तक मोटू पुलिस ने अरेस्ट किया है। ओडिशा मोटू से ओडिशा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस माह पहुँचे मलकानगिरी जिला के आखिरी प्रांत जो मोटू पे, यहाँ पे एक जो दुकानदार है मनोज साना जी, तकरीबन 2-2.5 साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहा है। तो उनके साथ शुक्रवार रात को सामान जो थे सब इधर उधर हटा दिए, बाहर में फेंक दिए, उसके बाद में घर द्वार तोड़ रहे थे और बाकी जो बच्चे लोग थे बहुत गाली गलौज कर रहे थे। वो सब मैं मुंह में नहीं बोल सकती हूँ, मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और जो कोई बच्चे लोग पीछे से बोल रहे हैं पेट्रोल डाल के आग जला दो। कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इस तरफ सिलेरू जो ब्रिज है जो आंध्रा के लिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये तेमोड़ के पास यहाँ पे एक दुकानदार है दिलीप मंडल जी, आइए उनके साथ परसों जो शुक्रवार को रात को जो घटना घटी है, आइए उनसे पूछते हैं क्या क्या घटना घटी थी और कौन आए थे आपके यहाँ दुकान पे। सर, मोटू का आदमी आए थे, हम तो गरीब आदमी सर, चाय पानी बिक के खाता हूँ सर, हमको आके बहुत तकलीफ कर दिया, रात में पूरा फेंक फाक कर दिया, मेरा सामान पूरा खराब सर, अब क्या करूँ मैं, हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा है। पुलिस वाले के पास गए थे, कुछ बोला नहीं है, क्या करूँ हम लोग। हाँ, हम लोग डरे हुए हैं, क्या करेंगे, हमारा माल पाती पूरा खराब हो रहा है, सामान कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी। ये सुने थे जो दुकानदार है, ये है दुकान उनका, देखिए किस प्रकार छोटी सी दुकान लगा के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यहाँ पे दुकान चला रहे, लेकिन शुक्रवार को इनके कहने के मुताबिक आ करो नहीं खाई करो तुम्हें लगे रखो आ 10 वर्ष कौन आ बस लगे करो टंका की पंचायत जो मागला मत कल सुखा है मो दुटा रूम पाए मो
उड़ीसा मलकानगिरी जिला मोटू तेमोड़ से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज़।